गुड आफ्टरनून फैमिली, अभी 12:30 या 1 का टाइम है, इतने का टाइम है और मैं करने जा रही हूँ लंच। बहुत ज़्यादा काम था आज, दिखाया नहीं मैंने। एक्चुअली जब ज़्यादा काम होता है तो फिर कैमरा ऑन करने का मतलब मन ही नहीं करता है, होता है कि ऑफ कैमरा ही सारा काम कर लो, कैमरा ऑन ही नहीं करना। तो आज मैंने क्या बनाया हुआ है मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 मिनट। हाँ मैंने ऐसे ही निकाल लिया, इधर दाल चावल पनीर की सब्जी है, मटर पनीर तो कई बार मैंने शेयर की हुई है, तो आप सब बोलते हो यार दिया कितना मटर पनीर खाते हो, जब देखो तब वही बनाते हो, तो इस बार मैंने नहीं शेयर किया। इसके बाद ये देखो, दीप ने कल रात में ऑर्डर किया था बाटी चोखा रेस्टोरेंट से, तो हमें मिली थी ये खीर इनकी, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। सो इससे हम लेके बैठे हैं खाने के बाद, और ये रहा हमारा पानी। हाँ, हमें काफ़ी सारे वीडियोस रिकॉर्ड करने हैं, देखिए सब मतलब आज मैं यही लेके बैठ गई हूँ कि मैं यही जल्दी से खा लेती हूँ, इसके बाद फिर जुट जाऊंगी अपने काम में। काफ़ी सारा वीडियो रिकॉर्ड करना है यार। एक चीज़ बताओ, मुझे याद ही नहीं था कि 4 तारीख को करवा चौथ है, सच बता रही हूँ यार, पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ है। नहीं तो मेरे मेकअप ट्यूटोरियल्स इतने कम नहीं जाते, आप लोग अगर पिछली बार की सीरीज देखेंगे तो मैंने इतनी सारी सीरीज निकाली हुई थी। कल आराध्या का वीडियो देखा, वो बोल रही थी, तो बल्कि मुझे लगा कि यार अभी कहाँ, बाबू के बर्थडे के बाद करवा चौथ है, मैं ऐसा सोच रही थी बाबू के बर्थडे के बाद करवा चौथ है, बट ऐसा नहीं है, बाबू के बर्थडे से पहले है करवा चौथ। 4 दिन, आज है इसमें कौन सी तारीख, आज का वीडियो आज ही आप देखोगे, आज है फ्राइडे 30 तारीख है, सोचो 4 दिन बचे हैं, 4 दिन में मैं कितने लुक क्रिएट कर पाऊंगी मुझे नहीं पता, काफी ज्यादा परेशान भी हूं मैं। तो अभी तो दीप है नहीं, मैं भी उनको कॉल करूंगी कि यार जल्दी आ जाओ, थोड़ा मार्केट चलना है यार, साड़ी वाड़ी लेनी है, हमारे साड़ी मतलब यार ब्लाउजेस तक नहीं गए हैं इतना। इस बार नवरात्रि में भी हमने मेकअप ट्यूटोरियल्स नहीं निकाले, चलो नवरात्रि का तो खैर चल जाता है क्योंकि बाहर इस बार नहीं जाना था, लेकिन दीपावली करवा चौथ, करवा चौथ तो घर में ही सेलिब्रेट किया जाता है। मैं खा लेती हूँ, इसके बाद जुट जाती हूँ अपने काम पे। सबसे पहले आप लोग खा लीजिए 1 बाइट, तो चलो हम खा के आप लोगों से मिलते हैं। स्किन केयर फॉलो करनी है आज हमें, स्किन की बैंड बची हुई है देख रहे हो आप काफ़ी ज़्यादा, वो तो बोलो कि मैंने मेरी जो DIY नाइट क्रीम है वो जो है नहीं दिखाई है ना आप लोगों को, नहीं दिखाई है, वो लगा ली थी रात में, DIY नाइट क्रीम हमारी यही रखी हुई है। देखिए जल्दी वीडियो आने वाला है, काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए, तो वेट कीजिएगा इस वीडियो का। चलो हम खा लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं। सो फैमिली, अभी दोपहर के बज गए हैं 2:30 और अब मैं चल रही हूँ स्किन केयर रूटीन फॉलो करने। एक्चुअली करवा चौथ आने वाला है, तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि मुझे फेशियल क्लीनअप कर लेना चाहिए, 3 दिन ही रह गया है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फेस वॉश के लिए यूज कर रही हूँ वाव का उबटन फेस वॉश। इसमें आपको चिकपी फ्लावर, टर्मरिक, सैफरन, आलमंड एक्सट्रैक्ट, रोज वाटर, सैंडलवुड ऑयल मिल जाता है, हेल्प्स क्लींस एंड क्लेरिफाई कम्प्लेक्शन। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से पैकेजिंग है इसकी, और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, क्रुएलिटी फ्री है, 100% वेगन है। सो अगर आप लेना चाहें तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। ये देखिए कुछ इस तरीके से है ये, वाओ फ्रेग्रेंस माइंड ब्लोइंग है, तो मैं यहीं पर फेस वॉश कर ले रही हूँ। फर्स्ट स्टेप है ये हमारा, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। से फेस वॉश कर लिया, अब फेस को धुल के आ रहे हैं, ठीक बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हम यूज कर रहे हैं वाव स्किन साइंस का उबटन फेस एंड बॉडी स्क्रब। इसमें आपको चिकपी फ्लावर, आलमंड सेल पाउडर, सैफरन एंड टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, रोज वाटर एंड सैंडलवुड ऑयल मिल जाएगा। इसको मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, आप लोगों ने रिव्यू ऑलरेडी देखा हुआ है इस पे, तो इतना सा मैंने निकाला है। मैं नोज एरिया पे ज़्यादा फोकस करूंगी क्योंकि यहीं पर मुझे ब्लैक हेड व्हाइट हेड की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। स्क्रब आपको वीक में कम से कम 2 बारी करना ही चाहिए ताकि ब्लैक हेड व्हाइट हेड रिमूव हो जाए आपका। अगर आपको अनइवन स्किन की प्रॉब्लम है तो इवन हो जाएगी।
तो अब हम फेस को धुल के आ रहे हैं, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखिए फेस कितना ज्यादा क्लीन लग रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि है फेस पैक का। तो फेस पैक के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ वॉइस स्किन साइंस का ऑप्टन फेस एंड बॉडी पैक। इसमें आपको चिकवी फ्लावर, टर्मरिक, सैफ्रन, आलमंड एक्सट्रैक्ट, रोज वाटर एंड सैंडलवुड ऑयल मिल जाता है। नो सल्फेट, नो पैराबिन, नो सिलिकॉन, नो कलर। ये देखिए 100% वेगन है, एनिमल पर टेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है, क्रुएल्टी फ्री है। चलो अब इसको भी लगा लेते हैं। देखिए काफी क्रीमी है ये, मैं फिंगर की हेल्प से लगा रही हूँ, आप ब्रश की हेल्प से लगा सकते हो। तो इसको हम लगा के छोड़ दे रहे हैं ताकि ये सूख जाए। तो ये ड्राई हो गया है, हम धुल के आ रहे हैं, बोला नहीं जा रहा है। इतना ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है, बिफोर एंड आफ्टर में आपको खुद डिफरेंट दिख रहा होगा। तो जब भी आप कोई फेस पैक लगाते हैं तो आपको एक टोनर लगा लेना चाहिए। ओके, सो मैंने टोनर भी लगा लिया। अब बढ़ते हैं सीरम की तरफ। सीरम मैंने कहाँ रखा हुआ है। वो सीरम के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ वॉइस स्किन साइंस का ऑयल फ्री उपटन फेस सीरम। नो पैराबिन, नो सिलिकॉन, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। एंटी टैनिंग, रेडियंस बूस्टिंग, रिजुविनेटिंग, यहाँ पर सब कुछ आपको मेंशन मिल जाएगा। सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। नेटवेट आपको 30 ml मिलता है। प्राइस 599 है। इसे लगा लेते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि आपको मिलता है पंप ट्यूब में। मिलती हूँ कुछ देर बाद। ये देखिए हाईली रिकमेंडेड है, आप एक बार इसे ट्राई जरूर करना। मिलती। सो फैमिली अभी शाम के बज गए हैं, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ कितने बज गए हैं। एक मिनट, ये देखिए कमेंट आया हुआ है 5:41 और मैंने दीप को कॉल कर दिया है कि आप आ जाओ, चलना है हमें मार्केट, काफ़ी सारी चीज़ें लेनी है। वॉलपेपर हमारे रूम में लग गया है, देखो शीशे में आपको दिख रहा होगा बेड के मिरर में। तो मैंने कल ही तो बताया था ना कि वॉलपेपर लग रहा है, तो कल ही लगा है। सो अब दीप आ जाए, इसके बाद चलते हैं हम। शायद अब चल के हम आपको मार्केट में ही मिलें, यहाँ ना मिलें। अभी आपको बाबू की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है, बाबू की मैम है, उनको पढ़ा रही हैं। तो तो वही पढ़ाई कर रहा है। चलो मिलती हूँ आप सभी से कुछ देर बाद। सो फैमिली हम लोग आ गए हैं सहारागंज मॉल आ गए हैं। तो हमने सोचा सबसे पहले हम चल के यहीं से देख लेते हैं कपड़े दीपावली के लिए, करवा चौथ के लिए। यहाँ पर काफ़ी सारी साइजेज मिल जाएंगी, नहीं तो लोकल मार्केट में हम जाते हैं वहाँ पर जल्दी मेरी साइज ही नहीं मिलती है। तो चलो देखते हैं क्या कुछ लेते हैं। अच्छा, अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको अच्छा लगे तो मेक श्योर लाइक कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, लाइक नहीं करते हो तो अच्छा नहीं लगता है। सो अब हम लोग यहाँ से चल रहे हैं ऊपर होम सेंटर की तरफ, कुछ होम डेकोरेशन के लिए सामान लेना है। तो चलो चलते हैं, आप सभी को सब कुछ दिखाते हैं। सहारागंज आएँ और यहाँ पर सेल्फी ना ली जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो पतिदेव पिक्चर क्लिक कर रहे थे, अब थोड़ा सा कैमरा साइज जो थे ना वो थोड़ा सा ठीक हो गए हैं। तो हम लोग यहाँ होम सेंटर के जस्ट सामने ही हैं, हमने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लें, आप लोगों को दिखा दें। तो चलो चलते हैं होम सेंटर, वहाँ रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो यहाँ हम लोग आ गए, अब हम लोग चल रहे हैं घर, चल के आपको दिखाएंगे। आज नहीं दिखाएंगे क्योंकि तुरंत सामान ओपन करके दिखाना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आपको जो कल वीडियो आएगा उसमें दिखाऊंगी कि हमने क्या कुछ लिया हुआ है। यहाँ से हमने काफ़ी सारी ख़रीदारी कर ली हुई है। सो अब हम लोग घर चल रहे हैं, घर नहीं, एक्चुअली हम लोग यहाँ पर आए थे, हमें लगा कि यहाँ पर ना
सोनी का शोरूम है बट यहाँ पर नहीं था, तो हम लोग अब चल रहे हैं हज़रतगंज, तो वहाँ से हम लोग कैमरा ले लेंगे। कैमरा लेना है, दीप ने बोला कि तुम मतलब ले लो कैमरा, ब्लॉगिंग वाला कैमरा। वैसे तो प्रियादीप के लिए है लेकिन वो काफ़ी बड़ा कैमरा है, तो हमें सेल्फी क्या बोलते हैं मिररलेस कैमरा लेना है, सेल्फी नहीं मिररलेस कैमरा, छोटा वाला जो कॉम्पैक्ट कैमरा होता है। तो चलते हैं देखते हैं कौन सा लेते हैं। और इस टाइम दीपावली पास में है तो काफ़ी अच्छी तरीके से लखनऊ सजाया गया है। देखो हम लोग आ गए हैं सोनी के शोरूम में, हमने एक कैमरा पसंद कर लिया है, तो यहाँ पर हम लोग फीचर्स देख रहे हैं कौन सा क्या है। तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताएंगी कौन सा कैमरा है, अभी तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो यहाँ पर सब कुछ सिखा रहे हैं कि कैसे क्या करना है। ये इनका भी न्यू लॉन्च कैमरा है, इन्होंने बताया नया आया हुआ है, तो हमने कहा ले लें। फाइनली हमने ब्लॉगिंग कैमरा भी ले लिया। तो चलो अब चलते हैं घर, इसके बाद आप लोगों से घर चल के मिलते हैं, वहीं पर बात करेंगे। तब तक ले लिए दीजिए इजाज़त, बाय। सो फैमिली अभी शाम के बज रहे हैं 7:30 और जस्ट मैं आ रही हूँ। हम लोग जल्दी आ गए क्योंकि हमें डिनर बनाना है, हम बाहर कुछ नहीं खाया और कहीं गए भी नहीं थे, हम सहारा गए थे, इसके बाद हज़रतगंज आते टाइम ही पड़ता है रास्ते में, तो हमने वहीं से कैमरा हमारा लिया हुआ है, दीप ने हमें गिफ्ट दिलाया हुआ है, हमारा कैमरा सोनी का है। तो मैं आप लोगों के साथ उसकी अनबॉक्सिंग शेयर करूंगी। फाइनली हमने एक और कैमरा ले लिया, हमारे पास है कैनन 800D जिसे हम प्रियादीप के लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, बट अभी वो भाई आया था ना तो हम उसको दे दिए थे, लेके गया था, उसको कुछ काम था सो इसलिए हमने दे दिया। अब मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग का एंड कर दूँ, मैं हूँ मेरे स्टूडियो रूम में, आप सभी को तो पता ही है। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी रिक्वेस्ट या वो सजेशन तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। कैमरा उस कैमरे का मॉडल तो मुझे नहीं पता कौन सा मॉडल है, नहीं तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताती। और अभी दीप गए हैं मार्केट, हमें नीचे छोड़ के वो चले गए मार्केट क्योंकि कुछ काम था, अब मुझे लेट हो रहा था, मैंने कहा मुझे वीडियो मतलब ब्लॉग एडिट करना है, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है मैं आपको रूम पे छोड़ देता हूँ, इसके बाद मैं आता हूँ, तो वो तो है नहीं। सो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कि वो कौन सा कैमरा है। तो इस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी रिक्वेस्ट वीडियो रिक्वेस्ट या सजेशन तो भी कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, लॉट्स ऑफ लव गाइस, बाय बाय। वो मैंने लहंगा निकाल के रखा हुआ है ब्राइडल करवा चौथ के लिए, मेकअप लुक निकालना है, ब्राइडल मेकअप है। चलो मिलती हूँ, बाय, गुड नाइट।